उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब पार्टनर हमें ब्लॉक कर दे, जब पार्टनर हमसे बात ना करना चाहे। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। ट्रस्ट मी, आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप भी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है। देखो, यहाँ पे कुछ बातें हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पार्टनर आपसे गुस्सा हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप ही पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, आप ही पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, या हो सकता है कि पार्टनर हर बार ऐसा ही करता है, पार्टनर बेवजह ईगो दिखाता है, ईगोइस्टिक बिहेवियर यूज़ करता है, या फिर एटीट्यूड शो करता है। जब उनका मन होता है वो अनब्लॉक करके आपको सॉरी बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपको बेवजह ब्लॉक करके रखते हैं, या फिर छोटी छोटी बात के वजह से पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यकीन करो, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो, अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, अगर आप उनके ज़िंदगी में खुद को ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो और इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो इस सिचुएशन में आप और ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व मत करो। और हम यही गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस में ये गलती होती है। क्या होता है, पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर अलग अलग तरीके से मैसेंजर ये वो, और उन्हें उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, यानी हम उन्हें और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, और अगर आप सॉरी कहने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा मैसेज करोगे अलग अलग तरीके से, तो इस वजह से वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस सिचुएशन में बेटर क्या रहेगा कि आप थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें और ज़्यादा इरिटेट मत करो। देखो, जब भी वो रिलैक्स रहेंगे या रिलैक्स हो जाएंगे, वो खुद ही आपको अनब्लॉक कर देंगे, या फिर अगर आप उनको मैसेज कर भी रहे हो तो कुछ दिनों के बाद करो। पहले थोड़ा स्पेस मेंटेन करो, उस इंसान को भी रिलैक्स होने दो, आप भी रिलैक्स रहो। लगता है कि आपके साइड से गलती हुई है, आपने ही उस इंसान को इरिटेट किया है, तो कुछ दिनों के बाद आप ट्राई करना, या फिर हो सकता है कि वो ही इंसान आपको कहीं ना कहीं अनब्लॉक कर दे। दूसरी सिचुएशन कि पार्टनर ही आपसे बेवजह बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, पार्टनर ही बेवजह आपसे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पार्टनर को ये लग रहा हो कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ब्लॉक भी करके रखता हूँ तब भी आप उन्हीं के पास जाओगे, तब भी आप ही कोशिश करोगे। इस सिचुएशन में क्या बेटर है डियर, कि अगर वो बेवजह या फिर छोटी छोटी बात पर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो उन्हें इस सिचुएशन में ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। उन्हें ये मत बताओ कि नहीं, आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कभी भी निगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप निगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हो, यकीन करो पार्टनर आपको और ज़्यादा निगेटिव बिहेवियर शो करेगा आने वाले टाइम में। इसीलिए आप ये गलती तो मत करना। अगर वो छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको ब्लॉक करते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा पीछे हटने पे ध्यान दो। कुछ दिनों तक उनके बिना रहो, जब तक वो अनब्लॉक नहीं करते हैं, या फिर जब तक उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, या फिर जब तक वो रिलैक्स नहीं होते हैं। अगर आप हर बार ऐसे ही करोगे, हर बार आप ही इन्वॉल्व होते रहोगे, तो कभी भी उन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं होगा। अब यहाँ पे और एक बात बहुत अच्छे से बाहर निकल के आती है कि पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना जानता है, पार्टनर आपको मनाना भी जानता है। पार्टनर को पता है कि अगर उन्होंने अभी आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में आपका नंबर ऐड कर दिया, लेकिन जब भी उन्हें बात करने की ज़रूरत है तो बात कर लेंगे, एक दो बार वो सॉरी बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सिचुएशन में भी आप मत फंसो। आप ये मत भूलो कि आप कितने डिस्टर्ब होते हो, आप इतने डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन पार्टनर जब बात करने की कोशिश करे आप इजीली बात कर लेते हो। पार्टनर अगर हर बार ऐसा ही कर रहा है, आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, अटैचमेंट का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बेटर क्या रहेगा डियर कि आप तो पहले अपने साइड से उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मत करो, और ज़्यादा सॉरी कह के, और ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करके गलती मत करो। और जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी डिस्कस करो कि आप जो ये बार बार ब्लॉक करते हो, या बार बार जो स्पेस मेंटेन करके रखते हो, इस वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ। ये चीज़ें इतने आसानी से एक्सेप्ट मत करो। अगर आप डिस्टर्ब हो तो ये बात उन्हें बताओ,
एक्सप्लेन मत करो कि हाँ मैं डिस्टर्ब हो रही थी, मैं रो रही थी, परेशान हो रही थी, या फिर मैं रो रहा था, परेशान हो रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, ये नहीं बोल रहा हूँ। केवल आप उन्हें इतना बताओ कि मैं डिस्टर्ब हो रही थी, तब जब वो आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश करे बेटर यही रहेगा डियर। या फिर अगर वो बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही एटीट्यूड शो कर रहे हैं, या फिर वो झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, वो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उन्हें थोड़ा टाइम दो। आप ही हमेशा एफर्ट्स मत डालो। अगर आप एफर्ट्स डालते हो तो आपको डिस्टर्ब रहना पड़ सकता है। पार्टनर को भी थोड़ा इन्वॉल्व होने का मौका दो। इन तीनों सिचुएशन में जो भी आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है, अब कहीं ना कहीं मेरे साइड से भी गलती हुई है, या फिर उस इंसान को आप कुछ कहना भी चाहते हो, या आपने उस इंसान को इरिटेट किया है, या वो इंसान थोड़ा सा ईगो शो कर रहा है, एटीट्यूड शो कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। या फिर अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना ही चाहता है, तो चाहे आप 1000 तरीके से कॉल करो, 1000 नंबर से मैसेज करो, वो रिस्पांस नहीं करेंगे। और अगर रिस्पांस कर भी रहे तो वो अच्छे से रिस्पांस नहीं करेंगे। अगर उन्हें छोड़कर जाना ही है, उन्होंने अपना मन बना लिया कि आपकी ज़िंदगी से तो उन्हें दूर जाना ही है, तो उस सिचुएशन में वो दूर जाके ही रहेंगे। लेकिन दूर जाते जाते आप अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को कम मत करो। एक सही तरीके से हमेशा एफर्ट डालो, ताकि आने वाले टाइम में जो भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन के लिए तैयार रह सको। स्पेस मेंटेन करना भी सीखो, खुद को स्ट्रांग बनाना भी सीखो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कम्प्लीटली सेफ, कम्प्लीटली प्राइवेट रहेगी। इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।